सामने देख रहे भाई आप रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350। और अभी फिलहाल हम आ चुके हैं भाई लालगंज झारा, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो अभी रॉयल इनफील्ड सौर कंपनी जो कि भाई ऑटोमोबाइल से अभी हमारे लालगंझ में आ चुकी है, फाइनली लालगंज झारा प्रतापगढ़ में। और भाई इसकी पूरी फुल डिटेलिंग में बात करेंगे और थोड़ी बैकग्राउंड की नॉइस थोड़ा अवॉइड करिएगा क्योंकि मैं जस्ट रोड पर ही हम, तो फटाफट से एक एक चीज़ करके दिखाते हैं भाई। सबसे पहला भाई जो चेंजेस है भाई इसका, और जो कि इसका डिज़ाइन है, डिज़ाइन तो सेम ही रहने वाला है लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस है। जैसे कि आप देख सकते हो फुल्ली डिजिटल LED सेटअप मिल जा रहा है अभी आपको, और इसके जस्ट बगल वेज वेरिएंट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और अभी फ़िलहाल इसके बारे में हम बात करें भाई, सबसे पहले दिखा देते हैं लाइट इसकी। तो लाइट देख सकते हो सब पूरी DRL जो कि है भाई, छोटी छोटी लाइट्स हैं, ये भी भाई पूरी LED सेटअप है और इसका भी पूरा LED सेटअप दे रखा है जैसे GT में आता था। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाता है, एक बार दिखाई देते हैं, आप देख सकते हो भाई काफ़ी प्यारा लग रहा है। और भी चेंजेस है इसमें, जैसा कि अलॉय व्हील अगर देखा जाए तो भाई अलॉय व्हील भाई पुराने जैसे सेम ही मिलते और मिल जाते भाई, अब डबल डिस्क डबल ABS जो कि भाई सेम पुराने में जैसे मिलते थे वही मिल जाते हैं। इंजन भी आपको सेम ही पुराने वाले जैसे मिल जाएगा। और चेंजेस क्या क्या हुए इस पर हम भाई बात करेंगे। जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है भाई इसका कलर है, तो भाई कलर भाई काफ़ी मस्त डिफरेंट सा कलर दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहाँ पीछे भी आपको भाई पूरा डिजिटल पूरा मिल जाता है आपको लाइट, जैसे कि इंडिकेटर है, टेल लाइट है। और टायर सेक्शन की बात करते भाई, टायर सेक्शन फ़िलहाल उतना ही है जैसा कि आप देख सकते हो, टायर सेक्शन ज़्यादा चौड़ा नहीं है, सेम टायर सेक्शन है जैसे पहले आता था। और अभी मीटर की बात करते हैं, मीटर में भाई क्या क्या कंसोल दे रखा है, मतलब क्या क्या मोड्स दे रखे हैं अभी मीटर में भाई आप देख सकते हो। जैसे पुराने वाले में यहाँ पे आ जाता था भाई फ्यूल गेज और इको सिस्टम भी आ जाता है, इसमें गियर शिफ्टिंग वाला जो भाई मिसिंग था वो भी आ गया, गियर शिफ्टिंग जो इंडिकेटर था वो भी अब इसमें आ चुका है। और अभी मीटर देख सकते हो आप लोग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ मिल जाता है आपको। और सबसे बड़े चेंजेस भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, एडजस्टेबल लीवर मिल जाता है आपको भाई, काफ़ी मस्त चीज़ है और जो कि काफ़ी सारी बाइकों में अभी इस सेगमेंट में भाई और इस प्राइस रेंज में भाई, अभी प्राइस भी बताएंगे तो इस प्राइस रेंज में भाई काफ़ी कम चीज़ें आपको कम फीचर मतलब कि प्रोवाइड करती है कई सारी बाइकों में। और अभी यहाँ पे क्या क्या मोड्स मिल जाते हैं आपको दिखाते हैं फटाफट से। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग चेंजेस हो रहे हैं, ये हाँ यहाँ पे टाइम मिल जाता है, ऑडोमीटर मिल जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 ट्रिप FB भी मिल जाता है फ्यूल का। और भी यहाँ पर बस इतने मोड्स मिल जाते हैं जैसा कि हंटर में आप लोगों ने देखा होगा। और यहाँ पर भाई ये वाला जो मीटर है अभी इसमें पहले कुछ नहीं आता लेकिन अभी इसमें दे रखा है, इसमें भाई नेविगेशन वगैरह सारा चीज़ बताता है, ब्लूटूथ जब कनेक्ट करोगे आप तो सारी चीज़ें आपको इसमें शो होंगी। बात कर लेते भाई इसके साउंड सिस्टम की, तो साउंड सिस्टम देख लेते हैं कैसा है, अभी बाइक स्टार्ट करते हैं। तो भाई साउंड सिस्टम भाई उतना ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है, हाँ थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है क्योंकि भाई अभी इंजन भी नया है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है फिलहाल इसमें। और कलर की बात करते भाई, कलर की एक बार फिनिशिंग चेक करवा देते हैं, यहाँ भी देख सकते हो यहाँ पर ग्रे मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये अदर कलर मिल जाता है आपको, और यहाँ पर भाई पूरा मिल जाता है भाई मैट ब्लैक, और ये थोड़ा अलग अलग कई कलर है तो इस कलर का भाई नाम नहीं पता लेकिन यहाँ पे मिल जाती है रॉयल इनफील्ड की बैजिंग। बाइक काफ़ी प्रीमियम हो गई है पहले से ज़्यादा। और सीटिंग पोजीशन, सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं भाई, सीटिंग कंफर्ट आप देख सकते हो भाई, ये देखो भाई बहुत ही कंफर्ट होने वाली है, पहले से ज़्यादा कंफर्ट होने वाली है क्योंकि कुशनिंग वगैरह ज़्यादा हो रखी है इसकी अभी फिलहाल। इंजन की बात करते हैं, इंजन भाई देखने में आपको पुराना जैसा सेम ही इंजन लगने वाला है। और यहाँ पर भाई गियर वगैरह, गियर लीवर वगैरह सेम ही कुछ मिलने वाला है, फुटरेस्ट वगैरह सारा कुछ, ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पे रियर सस्पेंशन की बात करते भाई, रियर सस्पेंशन भाई ओल्ड शेप में मिल जाता है आपको जैसे कि पहले वाली में आता था भाई। वहीं हम बात कर लेते भाई अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही दिखने में मिल रहा था आपको जैसे कि पुरानी वाली में है, एनालॉग्स पूरा सिस्टम दे रखा है, मतलब बाकी ये चीज़ मुझे काफ़ी प्यारी लगी। यहाँ पर देख सकते हो भाई वेजिंग मिल जाती है रॉयल इनफील्ड की, तो भाई काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी मतलब फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे कलर भी देख सकते हो आप लोग, ग्रे में है तो जो ग्रे वाला कलर था और इसका भाई काफ़ी हार्ड के बना दिया क्योंकि भाई इसमें थोड़ी ब्राउन बोल सकते हो इसे। और यहाँ पे मिल जाता है भाई नंबर प्लेट की प्लेसिंग, इंडिकेटर भाई आपको मिल जाता है। और फुटरेस्ट देखो क्या मस्त चौड़े चौड़े फुटरेस्ट भाई, लॉन्ग रोड में भाई आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्लच वगैरह भाई काफ़ी सॉफ्ट है मैंने जैसे बताया आपको, और ऑन रोड एक बार ड्राइव करके भी दिखा देंगे भाई। अब बात कर लेते भाई इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस अब लालगंज अझारा में देखा जाए, प्रतापगढ़ जो सिटी है यहाँ पे मिल जाते भाई ऑन रोड 2,80,000 जो कि ये वाला वेरिएंट है भाई, ये वाले वेरिएंट की भाई प्राइस है 2,80,000। तो भाई आप जहाँ भी मतलब कि लोकल के अगर मेरे वीडियो देख रहे हो भाई थोड़ी भी हेल्पफुल लगे भाई एक लाख बनता है। और रही बात इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस कैसा लगा फटाफट कमेंट कर देना, और वो खड़ी अपनी भाई हंटर देख सकते हो भाई, और इसकी प्राइस आप लोग कमेंट करना सही है, मतलब कि इस प्राइस रेंज में क्या बाइक लेने लायक है या नहीं, एक बार फटाफट कमेंट कर देना आपको।
सो गाइस आज वाला वीडियो कैसा लगा अगर फटाफट से कमेंट कर देना। और नेक्स्ट वीडियो जो गई भाई अपने टॉप मॉडल पर रहेगा, टॉप मॉडल की प्राइसिंग वगैरह क्या रहेगी वो भाई सारा कुछ आपको भाई वीडियो में पता चल जाएगा आपको। और गाइस वहीं बात करते हैं भाई टॉप मॉडल भाई इसका वीडियो भाई जल्द से जल्द हम लाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा क्योंकि भाई ये भाई काफी प्रीमियम बन। अगर वीडियो पसंद आ तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो भाई रहेगा अपनी टॉप मॉडल पे, तो भाई उसके लिए आपको करना पड़ेगा भाई सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।